जीवन के रूहानी रंग, प्रेम शांति खुशी उमंग। काव्य सरिता के संग, काव्य सरिता के संग। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का काव्य सरिता के इस खुशनुमा सफर में। कहते हैं जिंदगी भी एक सफर है और इस सफर के हम सभी मुसाफिर हैं। मुसाफिर को सफर की राह में कई हमराही मिलते हैं जिनके साथ सफर एक खुशनुमा सफर बन जाता है। हमराहियों के साथ सफर को खुशनुमा बनाते, सफर का लुत्फ उठाते और एक स्नेह का रिश्ता बनाते हुए भी राही को ये पता होता है और वह स्वीकार करता है कि हर हमराही की अपनी एक मंजिल है और उस मंजिल पर आके वो रुखसत हो जाएगा और वो हो जाता है। इस सत्य को स्वीकार करके प्यार से सफर करते हुए मंजिल पर प्यार से विदाई देकर वो न्यारा भी हो जाता है। यही तो खुशनुमा सफर का राज है। तो मित्रों, यदि जिंदगी के सफर में भी यही नजरिया, यही रुख अपना लिया जाए कि जिंदगी के सफर का हर रिश्ता, हर साथ इस सफर का एक हमराही है जो सफर को खुशनुमा बनाने के लिए है, तो फिर सफर का हर पल, हर पड़ाव एक सुहाना अनुभव प्रतीत होगा। तो आइए इसी नजरिए को साथ लेते हुए इस काव्य सरिता के खुशनुमा सफर को और खुशनुमा बनाते हैं और चलते हैं इस नए सफर के ऊपर हमारे नए कवियों के साथ एक नई मंजिल की ओर। हम आज के मंच पर उपस्थित, काव्य मंच की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित कवि और कवित्रियों का आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे बीच में रांची से आई हैं कवित्री वीना श्रीवास्तव जी, जो पहली भी काव्य मंच पर काव्य सरिता में अपना कविता पाठ कर चुकी हैं। हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में आज पहली बार इस काव्य सरिता मंच पर पधारी कवित्री बीना सिंह जी हैं, जो सहारनपुर से हमारे बीच में आई हैं, बड़ी सुंदर कविताएं लिखती हैं। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हमारे बीच फिर से इस काव्य सरिता के मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे वरिष्ठ भ्राता और कवि सतीश चंद्र सरल जी, जो कि माउंट अबू तब भूमि की शान है, हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका भी हम जोरदार ताली से अभिवादन करते हैं। जिंदगी के सफर को हम खुशनुमा बनाएंगे, जिंदगी के सफर को हम खुशनुमा बनाएंगे, जो मिले हमराह उन्हें प्यार से अपनाएंगे। जिंदगी के सफर को हम खुशनुमा बनाएंगे, जो मिले हमराह उन्हें प्यार से अपनाएंगे। पल दो पल का है हर हम सफर का साथ, अकेले आए थे जहां में और अकेले जाएंगे, अकेले आए थे जहां में और अकेले जाएंगे। परंतु इस काव्य सरिता के सफर में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ऐसे ओजस्वी तेजस्वी कवि हैं जो आज जिंदगी के सफर में, जिंदगी के सफर को खुशनुमा कैसे बनाएं, कैसे इसको एक नया आयाम दें, कैसे इसमें नया दृष्टिकोण अपनाएं, इस पर हम अपनी कविताओं के माध्यम से नए नए रुख हमारे सामने रखेंगे, नए नए दृष्टिकोण रखेंगे। तो सबसे पहले इस काव्य सरिता के मंच पर मैं बुलाना चाहता हूँ वीना श्रीवास्तव जी को, जो कि रांची से आई हैं और कवित्री भी हैं, लेखिका भी हैं, कई इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं और कई साहित्यिक मंचों की आप सदस्य भी हैं और अखबारों में इनके कॉलम भी छपते हैं, लेख भी छपते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वीना श्रीवास्तव जी को, आएं और अपनी कविता के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करें। ओम शांति। सम्मानित मंच को प्रणाम और दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। शुरुआत में कुछ शेर से करती हूँ जो बाबा के चरणों में है। हर जर्रे में है नाम तेरा, हर पत्ते पर पैगाम तेरा। हर जर्रे में है नाम तेरा, हर पत्ते पर पैगाम तेरा। क्यों चिंता की चादर ओढ़े, सबको देना है काम तेरा। क्यों चिंता की चादर ओढ़े, सबको देना है काम तेरा। हम तेरे बच्चे हैं बाबा, क्या होगा जाने काम तेरा। हम तेरे बच्चे हैं बाबा, क्या होगा जाने काम तेरा। हर संकट टल जाएगा, हर संकट टल जाएगा, पल पल झूलेगा नाम तेरा। दो मुक्तक है कि जीत लो चाहे भले तलवार को तलवार से, जीत लो संसार सारा प्यार से मनुहार से। जीत लो चाहे भले तलवार को तलवार से, जीत लो संसार सारा प्यार से मनुहार से। प्यार के सर को
झुका पाई नहीं तलवार भी, झुक गई तलवार लेकिन आदमी के प्यार से। और एक शेर, एक मुक्तक है हिंदी के लिए हमारी, लाज ढकने को भले ही एक चिंदी चाहिए, लाज ढकने को भले ही एक चिंदी चाहिए, भावना के भाल पर सौभाग्य बिंदी चाहिए, भावना के भाल पर सौभाग्य बिंदी चाहिए, प्राण प्यारे देश मेरे भव्य हिंदुस्तान में, भाव भाषा वेशभूषा सिर्फ हिंदी चाहिए। और ये एक छोटा सा गीत है गजल नुमा, जो हमारे देश की सांप्रदायिक सौहार्दता पर है। हर दिन होली के रंग खेले, हर दिन होली के रंग खेले, हर दिन ही दिवाली हो, चांद रात सा चमके जीवन, ऐसी ईद निराली हो। हर दिन होली के रंग खेले, हर दिन ही दिवाली हो, चांद रात सा चमके जीवन, ऐसी ईद निराली हो। राजयोग से संवरे जीवन, गंगा से निर्मलता हो। ध्यान चाहूंगी कि राजयोग से संवरे जीवन, गंगा से निर्मलता हो। हर मजहब जो बने हम नवा, हर मजहब जो बने हम नवा, जीवन और जमाली हो, चांद रात सा चमके जीवन, ऐसी ईद निराली हो। झूठ दगा से तौबा करके प्यार के फूल खिलाए हम, झूठ दगा से तौबा करके प्यार के फूल खिलाए हम। नेकी की जो राह चले तो, नेकी की जो राह चले तो, जीवन गौरवशाली हो। नेकी की जो राह चले तो, जीवन गौरवशाली हो, चांद रात सा चमके जीवन, ऐसी ईद निराली हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परमपिता के बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परमपिता के बच्चे हैं, फर्श आब पर संग चले। अगर हम सब आपस में मिल जाएं तो जीवन कितना खुशहाल, कितना सुंदर, दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी, पूरा विश्व सुंदर हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परमपिता के बच्चे हैं, फर्श आब पे संग चले तो, फर्श आब पे संग चले तो, देश की चाल निराली हो। चांद रात सा चमके जीवन, ऐसी ईद निराली हो। ग्रंथी वचन सिखाए और पादरी गाए गुरबानी, ग्रंथी वचन सिखाए और पादरी गाए गुरबानी, बाबा के बच्चे मुस्काए, बाबा के बच्चे मुस्काए, हर सू ही खुशहाली हो। चांद रात सा चमके जीवन, ऐसी ईद निराली हो। मंदिर और मस्जिद के बीच अब कोई दीवार न हो, मंदिर और मस्जिद के बीच अब कोई दीवार न हो, काशी काबा संग बहे तो, काशी काबा संग बहे तो, जीवन गौरवशाली हो। चांद रात सा चमके जीवन, ऐसी ईद निराली हो। बहुत को वीना की चाहत इतनी है, नफरत को दफनाए हम, और देसी मन की धरती पर, देसी मन की धरती पर फिर सावन सी हरियाली हो। चांद रात सा चमके जीवन, ऐसी ईद निराली हो। धन्यवाद। वाह जी वाह, क्या बात है, कितनी सुंदर भाव से कही बात है। तो हम कहेंगे ऐसी प्रेरक कविता हो, और कविता कहने वाली हो, भाव को इसके समझ जाए तो मन उसका शक्तिशाली हो, भाव जो इसके समझे उसका मन फिर शक्तिशाली हो। तो इतने सुंदर भावों को सुंदर भावना के साथ, एकाग्रता के साथ हम यदि सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, तो कविता के मर्म को, कविता के तंत को जब हम समझ जाते हैं, तो वास्तव में वो कविता हमारे अंदर उतर जाती है, और जब उतर जाती है तो हमारे व्यक्तित्व का एक अंग बन जाती है।
इसलिए कविता प्रेरणा बन जाती है। तो मित्रों, इस प्रेरणा को प्राप्त करने के बाद हमारे दर्शकों ने कैसे प्रेरणा प्राप्त करी, चलिए देखते हैं। उनके अंदर भी कुछ प्रेरणा काम कर रही है, उनकी भावनाएं जन्म ले रही हैं कि कुछ हम भी कहें। तो कौन कहना चाहते हैं, किसके पास ऐसी प्रेरणा आ रही है? हाँ जी, आप सुनाइए। जब से पाया प्यार तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जागा हमारा। जीवन में हुआ उजियारा ही उजियारा, जब से मिला ज्ञान तुम्हारा। कैसे बजाऊं बांसुरी कैसे गाऊं गाना, न मुझ में सुर है न है मुझ में ताल। कैसे बजाऊं बांसुरी कैसे गाऊं गाना, न मुझ में सुर है न मुझ में ताल है। कैसे खाऊं खाना हे खुदा, जब तुम्हारी याद आए तो कैसे खाऊं खाना। ओम शांति। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो देखा, एक प्रेरक कविता ने कितनों को प्रेरित कर दिया। तो चलिए, इस प्रेरणा के साथ हम फिर से एक नई प्रेरणा की तरफ चलते हैं। हमारी इस कविता मंच पर आई हुई एक नई प्रेरणा यानी नई कवित्री हमारे बीच में बीना सिंह जी जो आई हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं इस काव्य मंच पर। आए और इस काव्य मंच पर अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। बीना सिंह जी। ओम शांति। मैं सभी मंच पर बैठे हुए महानुभावों का अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर की स्मृति रख हर पल, कर्म किए नित जाना है। ईश्वर की स्मृति रख हर पल, कर्म किए नित जाना है। कार्य सभी अब हुआ पड़ा है, संशय नहीं उठाना है। कार्य सभी फिर हुआ पड़ा है, संशय नहीं उठाना है। ढूंढ रहे थे जिसको हर पल, ढूंढ रहे थे जिसको हर पल, पास हमारे वो आए हैं, पास हमारे वो आए हैं। एक नजर के प्यासे थे हम, नजरों में अब समाए हैं। नजरों से निहाल हुए हम, प्यार हमें नित करते हैं। प्यारे बच्चे मीठे बच्चे, रोज यही तो कहते हैं। द्वापर की प्यासी आत्मा पर अनहद प्यार लुटाते हैं। कहते परम पिता मैं आया, मुझको अब पहचानो तुम। जो गुण मेरे वो हैं तेरे, बस इतना ही जानो तुम। मत भूलो अब, तुम कृष्ण राम के वंशज हो। मत भूलो अब, मत मूंझो अब, तुम कृष्ण राम के वंशज हो। हर विघ्नों को वरदान समझ, अब पार करो खुश हो के तुम। अब आत्मा को और ही बलवान करते जाना है। ईश्वर की स्मृति में अब हर कार्य करते जाना है। हम क्यों डरें, अब स्वयं ही जब ईश्वर अपने साथ है। अगर हम अपने परमात्मा पे पूर्ण विश्वास रख के ये बात कहते हैं, हम क्यों डरें जब ईश्वर स्वयं अपने साथ है। करते चले बस श्रेष्ठ कर्म, कर्म हमें श्रेष्ठ करना है। करते चले बस श्रेष्ठ कर्म, हर विघ्न विजय सिंगार है। और उसी श्रृंखला में मैं एक कविता और सुनाती हूँ। शुभ संकल्प करें सर्व प्रति, सर्व हितैषी बन जाएं। परम पिता से कदम कदम पर श्रीमत हम लेते जाएं। बांट रहा वो पिता हमारा सुखमय जीवन की थाथी। कर अपने अवगुण सब अर्पण, संकल्पों को भी पवित्र करें। हम परम पिता के बच्चे हैं, मिल आपस में अब सिद्ध करें। हम परम पिता के बच्चे हैं, मिल आपस में अब सिद्ध करें। जिसके जिसके संपर्क चलें, सुख उसको देते जाना है। सुख सागर की संतान सभी, अब शांति सदा बरसाना है। बहुत बढ़िया। आओ मेरे लाडलों, परमात्मा है कह रहे। सत्य की है राह स्वर्णिम, सच बात ये समझा रहे। कहते सदा हो तुम मुझे, तुम
आज तक मुझे अपना ही कह रहे हो, तो कहते सदा हो तुम मुझे मैं सत्य चित आनंद हूँ, फिर तुम मेरी संतान भी स्वयं सत्य स्वरूप हो। ये बात माननी पड़ेगी। सबके प्रति सच प्रेम है, दुख दे नहीं सकते कभी। सबके प्रति सच प्रेम है, दुख दे नहीं सकते उसे। मीठे वचन ही बोलोगे, कटु कह नहीं सकते उसे। हर आत्मा के गुण ही गुण सबको नजर जब आएंगे, हर आत्मा के गुण ही गुण सबको नजर जब आएंगे, बन एक दूजे के हितैषी, स्वर्ग धरा पे हम लाएंगे, फिर स्वर्ग धरा पे हम लाएंगे। अति सुंदर, बहुत अच्छा, कितनी पते की बात कही है बीना सिंह जी ने, है ना। और संकल्पों के बारे में कितनी सुंदर बात कही, संकल्प के शक्ति के ऊपर कितना बल दिया। तो हम कहेंगे कि संकल्प है सबसे बड़ा खजाना, संकल्प है सबसे बड़ा शुद्ध संकल्प, बल्कि शुद्ध संकल्प है सबसे बड़ा खजाना। जिसके पास है शुद्ध संकल्प, उसे और क्या पाना। ना कोई शत्रु ना कोई बैरी, सब जग अपना ना लगे कोई बेगाना। शुद्ध संकल्प है सबसे बड़ा खजाना। आपके शुद्ध संकल्प शक्ति के आह्वान को सभी स्वीकार करते हैं, और ये आह्वान हम सभी के मन से निकलना चाहिए और पूरे विश्व में फैल जाए, ताकि पूरा विश्व शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। काव्य सरिता का ये सफर चल रहा है, इस सफर को हम खुशनुमा बना रहे हैं, और हमारे कवि नए नए नजरियों के साथ सफर को खुशनुमा बनाने में हमें सहयोग दे रहे हैं। अब सफर के आखिरी पड़ाव पर पुनः आते हैं, और पड़ाव तो क्या, ये तो एक मंजिल है, और मंजिल भी कैसी, इतनी ऊंचाई की मंजिल। जो कवि हमारे बीच में आ रहे हैं, उनकी ऊंचाई का क्या वर्णन करें, हैं? वो भावों के हिमाचल और विचारों के विंध्याचल हैं। ऐसे भावों से भरे हुए गीतकार और कवि सतीश चंद्र सरल जी को हम आमंत्रित करते हैं काव्य सरिता के मंच पर, आए और अपनी ओज में वाणी से हम सभी को आनंदित करें। ओम शांति, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं मनोज खुशनुमा जी के लिए कहना चाहता हूं, क्यों नहीं मंजिल मिलेगी, क्यों नहीं मंजिल मिलेगी साथ ऐसे रहनुमा। काव्य सरिता यो में हम सब नहाएं, जब हैं साथ में मनोज खुशनुमा, जब साथ में है मनोज खुशनुमा। और हमारे काव्य सरिता के सभी दर्शकों के लिए कि काव्य सरिता में साथी, आओ मिल नहाएं हम, कविता के हम आनंद उठाएं, नगमों का लुत्फ उठाएं हम, काव्य सरिता में आओ मिल करके नहाएं हम, मिल करके नहाएं हम। प्रणाम हो, नमस्कार। साथियों, संसार में एक बहुत बड़ी चीज है कि आप बोल कितने भी अच्छे बोल लें, लेकिन आपकी पहचान आपके कर्मों से होती है, बहुत आवश्यक है। और उसमें भी संबंध हमें बहुत ही आनंद देते हैं। अगर संबंध में कहीं कड़वाहट हो जाती है तो सारा जीने का मजा किरकिरा हो जाता है। आइए संबंधों की सरलता और मधुरता पर आनंद लेते हैं इस कविता के साथ। सबसे मधुर संबंध हो, सबसे सरल व्यवहार हो, सबसे मधुर संबंध हो, सबसे सरल व्यवहार हो, वो स्वर्ग से भी कम नहीं, जहाँ प्यार ही बस प्यार हो, वो स्वर्ग से भी कम नहीं, जहाँ प्यार ही बस प्यार हो। तारों सा हम हंसते रहें, फूलों से खिलना सीख लें, दाता बने देते रहें, हम सब को देना सीख लें, वो देवता
वो देवता है देवता जिसमें दैवी संस्कार हो, वो स्वर्ग से भी कम नहीं जहाँ प्यार ही बस प्यार हो। बहुत जी, बहुत ही अच्छा। वो स्वर्ग से भी कम नहीं जहाँ प्यार ही बस प्यार हो। जीवन में जहर घोलती बदले की भावना, जीवन में जहर घोलती बदले की भावना, हर काम करती सिद्ध है सबके लिए शुभ कामना, हर काम करती सिद्ध है सबके लिए शुभ कामना, भूले से भी किसी बात का मन में ना अहंकार हो, वो स्वर्ग से भी कम नहीं जहाँ प्यार ही बस प्यार हो, वो स्वर्ग से भी कम नहीं जहाँ प्यार ही बस प्यार हो, संबंध हो निस्वार्थ तो संबंध देते सुख घने, सही बात, संबंध गर निस्वार्थ हो संबंध देते सुख घने, बस ध्यान इतना रखना है संबंध ना बंधन बने, वो संतुलन जीवन में तो हो, संतुलन जीवन में तो आनंद अपरंपार हो, वो स्वर्ग से भी कम नहीं जहाँ प्यार ही बस प्यार हो। आगे बहुत अच्छी लाइनें हैं। आंखें मिली तन मन मिला जिसने दिया संसार है, आंखें मिली तन मन मिला जिसने दिया संसार है, उस उदार भगवान ने किया हम पर बड़ा उपकार है, ओ धन्यवादी हम हृदय से उसके प्रति आभार हो, वो स्वर्ग से भी कम नहीं जहाँ प्यार ही बस प्यार हो, वो स्वर्ग से भी कम नहीं जहाँ प्यार ही बस प्यार हो, जहाँ प्यार ही बस प्यार हो। सत्कर्मों के साए में ही वो सुखमय संसार है, सत्कर्मों की करो कमाई ये सच्चा व्यापार है, हर मजहब का ये मकसद है, सब धर्मों का सार है, सत्कर्म करो सत्कर्म करो समय की यही पुकार है, सत्कर्मों से सृष्टि पर लाना स्वर्ग बहार है। बहुत अति सुंदर।
संबंध मधुर बनाना भी एक कला है और इस कला के लिए हमें क्षमाशीलता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। क्षमा करने वाला कमजोर नहीं शक्तिशाली कहलाता है। हम सोचते हैं अक्सर कि क्षमा कोई कमजोर व्यक्ति करता है। क्षमा करने वाला कमजोर नहीं शक्तिशाली कहलाता है। वो सबसे आदर और प्रेम पाता है, संबंध मधुर बनाता है, संबंध मधुर बनाता है। तो भाइयों बहनों, इन गुणों को अपने जीवन के अंदर समाहित करते रहें। हम काव्य सरिता के द्वारा जो गुणों का, शक्तियों का प्रभाव हो रहा है, उसे स्वयं में समेटते रहें, मुस्कुराते रहेंगे जिंदगी में हरदम। खुदा की मोहब्बत अगर साथ होगी और तुम भी मुसाफिर हैं, हम भी मुसाफिर, किसी सफर में फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। और कविता के इस काव्य सरिता के सफर में यूं ही हम सबकी बार बार बात होगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। इसके बाद और क्या कहें, बस हम काव्य सरिता के इस सफर को खुशनुमा बनाने में इसके हम सफर बने आप सभी काव्य विभूतियों का दिल से धन्यवाद करते हैं। आप यहाँ आए और हम सभी को आनंदित किया और काव्य सरिता के मंच को शोभायमान किया। इसके साथ ही काव्य सरिता की इस कड़ी में आपसे विदा लेते हैं, फिर से एक नई कड़ी में आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।